फ्रिज में चॉकिंग है, इसका जो सुई है सुई नीचे की तरफ है, देखिए। तो दोस्तों चॉकिंग होने के कारण इसका जो गैस है, गैस मैंने अभी छोड़ दिया, छोड़ने के बाद इसका वॉश करना है। इसका जो कंडेंसर है, कंडेंसर भी वॉश करेंगे और इवेपोरेटर भी वॉश करेंगे, और इसका जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर के अंदर ऑयल है, ऑयल भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऑयल भी इसका ख़राब हो चुका है और इसमें गैस डालने से बार बार ये चॉकिंग हो रहा है। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन एक ही है, इसका जो कंडेंसर है, इवेपोरेटर है और कैपिलरी और जो कंप्रेसर का ऑयल है, वो सारा इसे चेंज करना है, तब भी ये प्रॉब्लम जो है बार बार नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो दोस्तों देखिए, कंप्रेसर के अंदर से इतनी सी ऑयल निकला है और ये जो ऑयल है, ऑयल बिल्कुल पीला हो चुका है। जब भी ऑयल आपको पीला देखने को मिलेगा, तब भी आपको इसे तुरंत चेंज करना है, क्योंकि इस ऑयल की वजह से जो कैपिलरी होता है और कैपिलरी के अंदर जो एयर होता है, इवेपोरेटर कंडेंसर के अंदर जो एयर होता है, मॉइस्चर होता है, उस मॉइस्चर और इस कैप जो ऑयल होते हैं बिल्कुल एसिड हो जाता है। एसिड होने के बाद उस कैपिलरी को एक घंटे दो घंटे के बाद कैपिलरी को ब्लॉक कर देता है, और तब भी ये चॉकिंग बार बार होने लगता है। जैसे कि एक घंटे दो घंटे बाद इस चॉकिंग होना शुरू कर देता है। पहले एक दो घंटे अच्छे से चलता है, और उसके बाद ये जो ऑयल और गैस होती है, गैस के अंदर एसिड होता है, एसिड होने के बाद और उसके अंदर जो मॉइस्चर होती है, मॉइस्चर के दौरान वो चोक हो जाता है बार बार। तो देखिए अभी इसे नए ऑयल को रिप्लेस करेंगे। तो दोस्तों आप चाहे ऑयल दो तरीके से इसमें डाल सकते हैं, एक होता है सेल्फ कंप्रेसर की मदद से और एक होता है हैंड की मदद से। आपके चाहे पास फिस्करी हो तो उस तरीके से, या फिर कंप्रेसर के जो चार्जिंग पॉइंट है उसके अंदर फिचकारी की मदद से आप उसमें ऑयल डाल सकते हो। तो दोस्तों देखिए, ये आसान एक तरीका है। आपके ये कंप्रेसर है सिर्फ, आपके एक जो पॉट है, पॉट के अंदर ऑयल डालना है और जो इसका सक्शन लाइन है उसको उंगली से पकड़ना है। तो ये धीरे धीरे जो ऑयल होता है वो बिल्कुल कंप्रेसर के अंदर टान लेगा और ये ऑयल चार्ज हो जाएगा। देखिए ये खुद ही खुद ऑयल चार्ज हो रहा है। तो इसका जो निचले का हिस्सा है, निचले के हिस्से को ऑयल आपको चार्ज करना नहीं है, इसमें काफ़ी मैल होती है, तो आपको उस तक चार्ज करना है और बाकी छोड़ देना है। तो कम से कम आपको 200 से आपको 250 ml तक इसमें ऑयल चार्ज करना है, तब भी ये ठीक रहेगा, वरना ऑयल इसमें कम हो जाएगा। और आप 250 ml से ज़्यादा चार्ज करते हैं तो ये ऑयल ज़्यादा हो जाएगा। तो उसे देखिए, उसके बाद जो स्टनर की लाइन होती है, ये स्टनर की लाइन है और ये कंडेंसर की लाइन है, नीचे की तरफ मैंने होचअप लगा कर रखा है। तो दोस्तों इसे अभी वॉश करना है, क्योंकि देखिए ये जो कंडेंसर है, कंडेंसर के अंदर बहुत सारा मॉइस्चर होता है। जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि इसके अंदर से पानी निकल रहा है, कि पानी क्यों निकलता है। जब भी आपको पानी निकलेगा तो भी आपको समझ लेना चाहिए कि इसके अंदर मॉइस्चर हो चुका है, और इसके जो गैस होती है, गैस और ऑयल के मिक्स होने के कारण इसमें एसिड जैसा कुछ उत्पन्न हुआ है। जब भी आपको एसिड उत्पन्न होगी, तब भी आपको कंडेंसर से या फिर इवेपोरेटर के अंदर से पानी निकलेगा। तो आपको समझना चाहिए कि इसमें ऑयल चेंज करना पड़ेगा, और ये जो कंडेंसर है इसमें पूरा तरीके से इसको वॉश करना पड़ेगा। तो ये एंटी मोस्ट है, एंटी मोस्ट हम डालेंगे क्योंकि ये इसके अंदर जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर को ख़त्म कर देगा। तो दोस्तों मैंने इसे वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद देखिए, जो स्टनर है, स्टनर की एक प्रांत मैंने वेल्डिंग कर लिया और एक प्रांत छोड़ दिया। क्योंकि छोड़ दिया, अगर दोनों पॉइंट एक बार हम वेल्डिंग करते हैं तो इसके कौन से प्रांत में ब्लॉक हो चुका है, किसी भी कारण हो भी जाता है तो मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन से प्रांत में ब्लॉक हुआ है। तो दोस्तों देखिए, इसे आपको ध्यानपूर्वक करना है, क्योंकि अगर ब्लॉक हो जाता है तो आपको दोनों काटना पड़ेगा। तो जैसे देखिए, मैंने इस प्रांत भी अभी वेल्डिंग किया। वेल्डिंग करने के बाद इसे गीला कपड़े से मैं पोंछ रहा हूँ। पोंछने के बाद कंप्रेसर को चलाऊंगा। आपको तुरंत वेल्डिंग करने के बाद कंप्रेसर को स्टार्ट करना नहीं है, अगर स्टार्ट करते हैं तो स्टनर ताप की वजह से वो फट सकती है और ये दुर्घटना भी घट सकती है। तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा, इसे गीला कपड़े से आपको पोंछिए। पोंछने के बाद जब ये ठंड हो जाए तब भी आप कंप्रेसर को स्टार्ट करिए। स्टार्ट करने के बाद जो नीचे का सक्शन पोर्ट है, सक्शन लाइन है, उस लाइन में ये गैस जो एयर होता है, कंप्रेसर चलने के बाद जो एयर वो डायरेक्टली इस तरीके से निकलेगा। तो आपको समझ लेना चाहिए कि किसी भी दौरान अगर ब्लॉक होता है तो आपके एम्पियर बढ़ जाएगा और
कंप्रेशर ट्रिप कर देगा। अगर ब्लॉक नहीं होता है तो ये जो सक्शन के पॉइंट है, सक्शन के पॉइंट में डायरेक्टली एयर निकलेगा। तो ये जो सक्शन पॉइंट है इसमें डायरेक्टली एयर निकलेगा। तो आइए कैसे करते हैं देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके से आपको जो प्रेशर होती है अंदर के जो प्रेशर आपकी सक्शन के जो पॉइंट होती है, लाइन होती है, उस लाइन से निकल आएगा और आप उसे थोड़े से फ्लश कर सकते हैं। क्योंकि अपने पहले इसे जो कंडेंसर है और इवेपोरेटर है आपने इसे वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद आपको ये करना है क्योंकि उसके अंदर जो एयर होता है एयर भी निकल आता है। तो आपको इसे सक्शन लाइन को वेल्डिंग कर देना है। वेल्डिंग करने के बाद आपको इसे वैक्यूम लगाना स्टार्ट कर देना है। और ये जो बाईपास की लाइन होती है, बाईपास भी मैंने वेल्डिंग कर दिया। और जब भी आपको बार-बार चॉकिंग होता है तो ये जो कैपिलरी होती है, कैपिलरी की जो बाईपास लाइन होती है, आप इस तरीके से ये कैंटी मोस्ट को इसके अंदर डालिए। और ये जो पिन है, पिन मैंने इसके निपल जो चार्जिंग पॉइंट है गैस रस किया जाता है उस पाइप में मैंने अभी इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद इसे ज़रूर प्रेशर देना पड़ेगा ताकि इसके अंदर कुछ लीक तो नहीं है। वेल्डिंग के दौरान लीक भी हो सकता है तो उसे चेक करना है। मैंने इसे पहली बार ही चेक कर लिया क्योंकि मैंने 8-10 साल में वेल्डिंग करने के बाद किसी भी प्रकार मैंने वेल्डिंग को चेक नहीं किया। क्योंकि मुझे उम्मीद होता है कि मैंने जब एक बार वेल्डिंग करता हो तो उसमें लीक नहीं होता है। तो फिर भी आपको दिखाने के लिए मैंने करूँगा। तो देखिए ये जो प्रेशर है, प्रेशर मैंने मीटर में उठा लिया, आप देख पा रहे हैं। और ये जो वेल्डिंग है, वेल्डिंग के जो पॉइंट है उसमें इसे लीक चेक करने के लिए मैंने इसे कुछ इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए इसका अगर लीक होता है तो इसमें जो बुलबुला सा नज़र आएगा, बुलबुला जैसे ऊपर की तरफ फूल कर आएगा। तो देखिए ये जो वेल्डिंग का पॉइंट है इसे पूरी मैंने अभी इसे चेक कर रहा हूँ। तो देखिए अगर किसी भी दौरान इसे लीक होता है तो इसके ऊपर जो बुलबुला सा आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें कुछ बुलबुला सा नहीं है और ये बिल्कुल सॉलिड है, ये बिल्कुल पूरी तरीके से वेल्डिंग हो चुका है। तो जितने पॉइंट है आपको ध्यानपूर्वक इसको चेक करना है। तो देखिए मैं वही अभी कर रहा हूँ, आपको धीरे धीरे आपको चेक करना है, शांतपूर्वक चेक करना है। आपको कोई जल्दबाजी अगर हो जाता है तो ये इसका लीक हो जाएगा और आपको ये जो काम है पूरे वेस्ट हो जाएगा। तो देखिए ये इसका बाईपास है, बाईपास मैंने सील नहीं किया है तो इसके अंदर से छोटा सा बुलबुला आपको देखने को मिल रहा है। और इसे मैंने छोड़ दिया क्योंकि इस जो बाईपास है, इस बाईपास से इसके अंदर एक जो एंटी मोस्ट है, एंटी मोस्ट को मैं इसे इंसर्ट करूंगा। क्योंकि जो कैपिलरी है, कैपिलरी ब्लॉक होने के चांसेस होती है तो इस तरीके से एंटी मोस्ट डालने से वो कभी भी ब्लॉक नहीं होगा। तो मैं कहूंगा अगर बार बार गैस डालने के बाद भी चौक हो रखा है तो आप इस तरीके से जो एंटी मोस्ट है, 1000 भी कहते हैं, उसे आप डाल सकते हैं। और ये जो कंप्रेशर है, देखिए कंप्रेशर की मदद से मैंने इसमें वैक्यूम में डाल दिया। तो देखिए ये पूरी तरीके से वैक्यूम 0 पॉइंट के नीचे उतर चुका है। तो इससे कम से कम 30 मिनट तक इसको वैक्यूम करना है और इसके अंदर के जो पूरी मॉइस्चर होती है, एयर होती है, वो वैक्यूम के जरिए बाहर की तरफ निकल कर आएगा। तो आप उसे बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो आप जाके उसे गैस टेस्ट करिए, वरना आपके जो बार बार गैस डालने के बाद जो चॉकिंग होता था वो समस्या रहेगी। तो देखिए मैंने अभी इस मीटर को लॉच किया, खोल रहा हूँ और इसका जो सुई है, सुई बिल्कुल जीरे के नीचे है। तो दोस्तों देखिए इसके बाद मैंने इसको अंदर गैस डाल दिया क्योंकि जब भी इसको आप गैस डालोगे तो इसका जो स्ट्रोक प्रेशर है, 600 की कंप्रेशर है, तो इसका जो स्ट्रोक प्रेशर आपको पहले ही डालना है। बंद स्थिति में आपको 40 से लेके 45 PSI आपको गैस डालना है। तो देखिए ये जब भी कंप्रेशर स्टार्ट होगा ये प्रेशर घटकर नीचे आएगा। तो देखिए
अभी इसका जो प्रेशर है लगभग जीरो के आसपास है, ये जीरो आप कह सकते हैं, ये जीरो की बराबर है। तो सर देखिए इसका जो सक्शन लाइन है, सक्शन लाइन भी इसमें कूलिंग आ चुका है, और पाइप में देखिए पानी के बूंद बूंद जैसे है। ये देखिए मेरे हाथ गीला हो चुका है, और स्टेनर भी काफ़ी गर्म है, और इसका चार्जिंग पॉइंट है, और ये कंप्रेसर भी अच्छा परफॉर्म में है। और देखिए ये डिस्चार्ज लाइन है, सक्शन लाइन है, और मैं आपको फ्रिज के अंदर जाके दिखाऊंगा। देखिए इसके अंदर से कैसे धुआं सा निकल रहा है, जैसे इसके अंदर जो विंटर की सीजन होता है, जो आपकी जो ओस दिखता है, धुआं निकलता है, देखिए इस तरीके से आपको धुआं देखने को मिल रहा है। तो ये इसका जो गैस चार्ज है, गैस चार्ज बिल्कुल अभी हो चुका है, और आपको इसे अगर इससे ज़्यादा भी आप गैस चार्ज करते हैं तो आपके जो सक्शन पाइप होते हैं, सक्शन पाइप में आइस जमना शुरू कर देगा। अगर किसी भी दौरान आपके आइस जो इस पाइप है कंप्रेसर की जो निचले के हिस्से है इस जगह पहुंच जाता है, तो आपके ये रेफ्रिजरेटर दोबारा चौके हो जाए, क्योंकि किसी भी कारण कंप्रेसर के अंदर लिक्विड चला जाता है तो ये कंप्रेसर पूरी तरह काम नहीं कर पाएगा, और जो फ्रिज है फ्रिज दोबारा चौकिंग होना शुरू कर देगा। तो मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस सेक्शन में काम करते हैं तो आप गैस डाल सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि जो गैस है जो उस ज़्यादा ना हो जाए, अगर ज़्यादा हो जाए, आइस भी ज़्यादा आ जाता है, तो आपको कंप्रेसर के जो निचले के हिस्से निचले के पॉइंट है उस तरह का पुणे ही जाना चाहिए। तो देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट गैस चार्ज हो चुका है। तो वीडियो को ज़रूर ज़रूर शेयर करिए।